हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम यहाँ पर नैनीताल के पास क्या जगह है एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे, तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। पंगोट से जस्ट 500 मीटर पहले है ये, और यहाँ पर हमें कुछ अच्छे कॉटेजेस दिख रहे हैं, जिसमें से पाइन वुड कॉटेज है यहाँ पर, सिल्वर क्लाउड है और माउंटेन क्वेल लॉज। तो देखिए ये तीन हमें डिफरेंट दिख रहे हैं। ये रास्ता है, यहाँ नीचे गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, देखते हैं ऊपर। मुझे नहीं लगता यहाँ से गाड़ी जाएगी, लेकिन अगर जा सकती होगी तो हम आपको दिखाएंगे पार्किंग का क्या सिस्टम है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं, क्या ऑप्शंस है देखते हैं। तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं सिल्वर क्लाउड से, और काफ़ी स्पेस हमें यहाँ दिख रहा है, ओपन एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चों को अगर कोई एक्टिविटी करनी है, बड़ों को कोई एक्टिविटी करनी है, तो ओपन स्पेस काफ़ी है इनके पास। कॉटेजेस यहाँ पर सिर्फ तीन ही बताए गए हैं हमें अभी, और जिसमें से दो ऑक्यूपाइड हैं, तो हम आपको एक ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पर इनका ये रिसेप्शन एंड रेस्टोरेंट एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने बनाया हुआ है इसको। वाओ, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि चारों तरफ ग्लास लगे हुए हैं, व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि बिल्कुल माउंटेन्स के बीचों बीच है ये, और जिस तरह से लाइटिंग की हुई है। इनफैक्ट यहाँ के सारे कॉटेजेस में ये चीज़ हमने देखी है कि बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और देखिए वाओ, हम बिल्कुल यहाँ पर माउंटेन्स के बीचों बीच हैं। क्लाउड्स तो आप देख ही रहे हैं, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हमें हर जगह मिल रहे हैं। यहाँ पर ये अभी क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, अदरवाइज यहाँ से पूरा आपको जिम कॉर्बेट दिखता है। और इस तरह से कॉटेजेस बनाए हुए हैं कि कॉटेज के बाहर आपको बहुत सारा बहुत स्पेस मिला है यहाँ पर। और देखिए अब मैं आपको इसका कॉटेज दिखाने वाली हूँ। नाइस, काफी स्पेस है यहाँ पर, बेडिंग बहुत अच्छी हो रखी है, इवन सिटिंग एरिया काफी दिया हुआ है इन्होंने, ऊपर लॉफ्ट भी है। बेसिक एमिनिटीज़ आपको सारी मिल रही हैं यहाँ पर, टीवी है, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। और देखिए ये होता है बच्चों का फेवरेट प्लेस, लॉफ्ट में बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लॉफ्ट में बालकनी नहीं मिल रही है, लेकिन स्पेस काफ़ी मिल रहा है। यहाँ से व्यू आपको मिल जाएगा, अगर आप विंडो खोलते हैं तो फ्रेश एयर बहुत अच्छी आएगी यहाँ पर। तो ये रूम आपको मिलता है 5,000 रुपये में दो लोगों के लिए, विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर 5,000 रुपीज। तो देखिए ये तीनों प्रॉपर्टीज का रास्ता बिल्कुल एक ही है नीचे से, और आप गेट देख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी यहाँ से एंट्री है एक प्रॉपर्टी की, दूसरा ये पाइन वुड कॉटेजेस यहाँ से हैं, और थर्ड अभी हम पीछे दिखाएंगे आपको जो तीसरी प्रॉपर्टी है। तो आइए पाइनवुड में देखते हैं किस तरह के कॉटेजेस हैं। वाओ, और देखिए ये एंट्रेंस ही कितनी सुंदर है, पाइनवुड कॉटेजेस आए हैं हम, देखते हैं किस तरह के कॉटेजेस हैं यहाँ पर। कौन है यहाँ पर, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे ये, देखिए ओपन स्पेस पूरा ग्रीन है यहाँ पर, सामने माउंटेन्स हैं, वैली व्यू मिलता है हमें यहाँ से। इनके पास पांच ही कॉटेजेस हैं, और इस तरह के देखिए बहुत सुंदर, क्योंकि कॉटेज के बाहर भी जैसे यहाँ पर इन्होंने ये बेल लगाई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिटिंग यहाँ पर दी हुई है, टिया मैडम ऑलरेडी बैठ गई हैं यहाँ। यहाँ पर मोस्टली कॉटेजेस हमें इसी तरह के मिले हैं, वुडन कॉटेजेस हैं, ऊपर लॉफ्ट है, नीचे आपको इस तरह से बेडिंग एरिया मिलता है, लेकिन जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर भी हमें स्पेस काफ़ी मिल रहा है, बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने, इवन कर्टन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बेडिंग बहुत अच्छे से लगाई हुई है इन्होंने, ड्रेसिंग मिरर है, और साथ में अटैच वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है। तो आइए इनका लॉफ्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों के लिए काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, इवन अगर एडल्ट हैं, चार फ्रेंड्स आते हैं तो दो ऊपर रह सकते हैं, दो नीचे रह सकते हैं।
यहाँ छोटे छोटे विंडोज दिए हुए हैं जहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा है, सेम जैसा कि हमें नीचे से दिखा है। तो देखिए यहाँ पर इसका टैरिफ मैं बताती हूँ, यहाँ इन्होंने हमें बताया है दो लोगों के लिए 4,000 रुपये, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा, और अगर एक्स्ट्रा पर्सन होते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस वैसे 2,000 ही बताया है, लेकिन आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर डाइनिंग एरिया है, मोस्टली जैसे कि हमने और भी देखे हैं सभी का सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, बहुत सुंदर लाइटिंग की हुई है, लेकिन मुझे यहाँ अंदर से ज़्यादा इसका जो ये बाहर वाला एरिया है, ये जिस तरह से इन्होंने ग्रीनरी से और जो ओरिजिनल प्लांट जो फील देते हैं ना, वो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए हम अब आपको तीसरा ऑप्शन दिखाने वाले हैं माउंटेन क्वेल का, जिसका रास्ता यहाँ से दिख रहा है, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं तो पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से जो रास्ता हमें दिख रहा है बहुत ही एडवेंचरस भी लग रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। जिस तरह की ये जगह मुझे लग रही है, आई एम 100% श्योर कि यहाँ आपको गर्मियों में भी फील नहीं होगी, इतनी अच्छी हवा है, और यहाँ पेड़ के नीचे अगर आप बैठ जाओ समर्स में भी तो बहुत ठंडी हवा लगने वाली है। तो देखिए माउंटेन क्वेल ये जो प्रॉपर्टी हम दिखा रहे हैं 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, और जैसा कि हमें बताया गया है कि ये सबसे पुराने कॉटेजेस इन्हीं के थे यहाँ पर, उसके बाद जो दूसरे कॉटेजेस हमने आपको दिखाए हैं अभी वो बाद में बने हैं, लेकिन ये बहुत पुराने हैं। और जिस तरह से देखिए मोरपंखी का पेड़ है यहाँ पर, और देवदार का पेड़ यहाँ पर है, इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स आपको मिलेंगे, काफल है, एप्पल है, और पीस का भी है। ओके, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, बहुत ग्रीनरी बहुत सुंदर है, जिस तरह से इन्होंने प्लांटेशन किया हुआ है, लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर सबसे पहले हम आपको इनके जो लग्जीरियस कॉटेजेस हैं वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये इनके दो रूम एक साथ हैं, इनफैक्ट अगर कोई फैमिली लेना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पूरा ये जो बाहर का सिटिंग सेटअप है ये भी आपको कॉमन मिल जाएगा। व्यू बहुत सुंदर है, सामने छोटे छोटे विंडोज़ ये लगे हुए हैं, और रूम्स देखिए इस तरह से इन्होंने सजाए हुए हैं। ये अगेन ये भी हमें एक वुडन कॉटेज मिलता है, जिसमें साथ में आपको वॉल कंक्रीट वॉल भी मिलती हैं, लेकिन सेटअप जिस तरह से किया हुआ है काफ़ी अच्छा है, स्पेस काफ़ी है यहाँ पर। देखिए यहाँ भी आपको स्पेस मिलता है, दो आपको कबर्ड्स मिल जाते हैं, और वॉशरूम आई मस्ट से कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये टाइल्स लगाई हुई हैं, कलर कॉम्बिनेशन जो है बहुत यूनिक है। इसी के साथ ये दूसरा रूम है, इसका कलर कॉम्बिनेशन आपको डिफरेंट मिलता है, इसी तरह से जो वॉशरूम का कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। इस रूम का टैरिफ जो हमें अभी बताया गया है 7200 फॉर टू पीपल इंक्लूडिंग ऑल मील्स, लेकिन अभी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो अगर आप ओटी एक्सपर्ट का रेफरेंस देते हैं तो 10% तो आपको मिल ही जाएगा, बाकी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इंक्लूडिंग ऑल मील्स की अगर हम बात करें तो पर पर्सन आपको 3,000 रुपीज़ के आसपास मिलता है। तो देखिए ये आपको एक कॉमन सिटिंग एरिया मिलता है, जिसमें आप अगर छोटी मोटी मीटिंग करनी हो तो आप मीटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर फायरप्लेस दिया हुआ है इन्होंने, विंटर्स में बहुत काम आता है ये, साथ ही कुछ गेम्स दिए हुए हैं इन्होंने, और जैसा कि बताया टीटी टेबल ये बाहर लगा देते हैं, कुछ बुक्स रखी हुई है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छा सिटिंग एरिया दिया हुआ है। तो देखिए ये बुखारी को देखकर मुझे कश्मीर की याद आ रही है, वहाँ पर इस तरह से गुलमर्ग में ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं, और ये पूरा सेटअप आप इमेजिन कीजिए, विंटर्स में जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है चारों तरफ यहाँ पर बर्फ़ से ये घिरा होता है, और तब यहाँ पर ये क्योंकि डाइनिंग एरिया है इनका, यहाँ पर जब बैठ कर लोग घंटों बैठे रहते हैं, इनफैक्ट खाना तो यहीं खाते हैं, यहाँ पर आग जलाई जाती है, यहाँ पर सेटअप दिया जाता है खाने का, और इवन ये चिक्स को गिराया जाता है क्योंकि वार्म करने के लिए, अदरवाइज आपको नज़ारा यहाँ से पूरा बर्फ का दिखता है, जस्ट इमेजिन। तो इसको डायरेक्ट खा लेते हैं, खा लेती है, इसको ये चिकन निकाल के खा लीजिए। हाँ छिलका, ये देखिए इतने सारे यहाँ पर ये चेस्टनट पड़े हुए हैं,
बंदरों ने काफी खाए हुए हैं, लेकिन ये मैंने अभी जैसे ही पकड़ा मुझे कांटे लग गए, लेकिन हमें ये निकले हुए मिल गए हैं। तो देखिए एंट्री पे ही आपको चेस्टनट मिल गए हैं, और अंदर यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही दिख रहे हैं कुछ लॉफ्ट टाइप टेंट्स बने हुए हैं ये। तो देखिए गंगा सिंह जी ने हमें ये नट्स भी दिए हैं, और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर पूरा प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन किया है, 20 साल से यहाँ पर ये हैं जब से ये प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई है, इसीलिए इनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है और इसीलिए इतना अच्छा एक्सप्लेन इन्होंने हमें किया है। आई मस्ट से कि मुझसे भी अच्छा एक्सप्लेन किया है इन्होंने। देखिए ये रूम भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इसमें लॉफ्ट भी बनी हुई है। अटैच वॉशरूम है, स्पेस काफ़ी है, सिटिंग एरिया अलग से दिया हुआ। रूम के अंदर ही आपको देखिए वापस से ये बुखारी भी मिलता है हीट के लिए, क्योंकि यहाँ ठंडा तो हमेशा रहता ही है, और विंटर्स में जब बर्फ़ पड़ती है तो उस अपने आप को गर्म रखने के लिए ये फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें ऊपर ये लॉफ्ट दिख रहा है। इंटीरियर पूरा जिस तरह से ये रॉ लुक में दिया हुआ है बहुत ही एंटीक लग रहा है, लेकिन सर्विसेज यहाँ पर जिस तरह से गंगा सिंह जी हमें बता रहे हैं कि सर्विसेज की गारंटी है कि आपको बहुत अच्छी मिलती है, ये बहुत अच्छा है। इवन ये मडी लुक है, यहाँ पर देखिए पूरा मड से इसको कवर किया हुआ है, बहुत सुंदर ये ड्रेसिंग मिरर है। टैरिफ इसका भी सेम ही है, लेकिन आप नेगोशिएट कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इवन जब हम कॉटेजेस में जिसमें भी जा रहे हैं और हमने उन्हें बताया कि हम यूट्यूब से हैं, ऋषिकेश से आए हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया है, पूरी प्रॉपर्टी हमें विज़िट कराई है, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। और इनफैक्ट यहाँ पर अब क्योंकि मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, अगर आप पंगोट आते हैं तो वुडन कॉटेजेस में ही आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो चूज़ आपको करना है अभी। और इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। ऑप्शंस अभी हमें और भी देने हैं, तो वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और ज़्यादा जानकारी के लिए ओटी एक्सपर्ट आईडी है इंस्टाग्राम की, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।